हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गियर बक्सा कैसे खोला जाता है और बनाया जाता है। मैं हूं मशीन वाला संजीव और आप हैं मेरे साथ। तो ये है प्रभु एक गियर बॉक्स जो कि 709 का है। देख पा रहे होंगे किस तरह से इसको निकाला जाएगा। सबसे पहले मैं इसको निकालने का बताऊंगा। इसे बहुत ही बारीकी से निकाला जाता है। इसके अंदर हजारों पार्ट्स मिलके ये बना हुआ है और जब ही जाके चौथा गियर पांचवा गियर निकलता है। जैसे देख पा रहे होंगे हमने पहले इसका फर्स्ट गियर निकाला, फिर सेकेंड निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे, फोर्थ निकालेंगे और एक होता है बैक गियर। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेंगी। और इसको मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसको पार्ट दो पार्ट में बनाऊँगा इसकी वीडियो। आप देख पा रहे हो पहले मैं खोलने की और बंद करने वाली दूसरी वीडियो में लाऊँगा। तो इसकी ये दूसरी गियर निकाल ली गई और इसके अंदर कमी क्या है कैसे पता चलता है उसके भी बारे में बताऊंगा। देख पा रहे होंगे इसकी शाफ्ट जो कि यहाँ पर चीलम लगती है, चीलम शाफ्ट इसी से कनेक्ट होकर क्लच प्लेट में लगती है। अब ये देखिए इसका कैसे इंजीनियर लगे हैं, इसके दोनों ये गियर निकाल दिया और ये निकाल के देखिए कैसे ये निकल गया पूरा। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इसके लॉन्ग वाली ये गोली लगती है। इसके अंदर सब अलग अलग गोलियां होती हैं, अलग अलग बैरिंग होते हैं जब जाके ये गियर बॉक्स चलता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। देखिए किस तरह से सावधानी से निकाला जाता है। इसका पार्ट्स मिल जाएगा तो फिर फिट करने बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। अनट्रेंड लोग से तो होगा ही नहीं, पर इसको ट्रेन जो बंदा होगा वो भी करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो देख पा रहे हो किस तरह से गियर कितने अच्छे चमक रहे हैं, एकदम बहुत ही सॉलिड गियर होते हैं। टाटा कंपनी का जो गियर है ये, इससे और ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब देखिए इसके गियरों को निकाल के चेक करा जा रहा है कि कहाँ पे कमी है इस गियर बॉक्स में। पहला गियर फंस रहा था हल्का हल्का, तो देख पा रहे होंगे इसके पहले गियर की जो गरारी दिखा रहे थे हम आपको, अभी देखिए इसके अंदर देख रहे हैं इसमें। अब ये सबको इसको डाल के जब चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से इसके अंदर गियर लगाया जा रहा था। तो ये देखिए एक एक करके पॉइंट पे बारीकी से ध्यान दीजिएगा, एकदम जूम करके मैं दिखा रहा हूँ और एकदम क्लियर 4K में वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो एकदम लास्ट तक बने रहिए, देखिए किस तरह से इसको शांति से एकदम पहले लगा के देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है ये। इसकी साफ में चाबी के खांचे कटे होते हैं जो कि ये बहुत ही आसानी से लगा रहता है स्मूथली और स्लिप नहीं मारता है। और ये देखिए गियर का ना, ये बहुत ही गियर दिमाग को गियर कर देता है। इसमें इतने सारे दांते होते हैं हजारों, जो कि एकदम समझना बहुत ही शांति से समझना पड़ता है इसमें। तो देखिए किस तरह से एक निकाल रहे, तो एक गिर रहा है। वीडियो के लास्ट तक बन रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। और मेरी वीडियो में हमेशा आपके लिए नॉलेजवल वीडियो लेके आता हूँ जिससे कि मैं आपको एकदम नॉलेज मिले। तो ये देखिए किस तरह से गियर को बिठाना है, तो देख पा रहे होंगे आप एक एक करके पहले सेट करके देखा जा रहा है कि गियर में कमी है कहाँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कमी है। ये देखिए इसको बिठा के पहले लगाया जाएगा, ये यहाँ पे इसको फंसाएंगे हम। ये देखिए फंस गया, ये देखिए वो उल्टा लगा था, इसे सीधा लगा दिया। अब देखिए चारों तरफ से एकदम बेहतरीन बैठ गया है। तो पहले इसको शाफ्ट के अंदर डालेंगे, देखिए एकदम बारीकी से देखिए किस तरह से गियर है ये और किस तरह से गियर काम करता है। ये इसकी स्लीप हो गई, ये भी गियर में लग गया, एक दूसरा गियर ये हो गया। देखिए एकदम वीडियो के लास्ट तक बन रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। और ये गोलियों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें ग्रीस लगा के चिपकाया जाता है, कभी भी इस तरह की गोली हो तो आप उसमें क्या है ग्रीस लगा लेंगे, ग्रीस लगा के और उसमें ही चिपका देंगे तो उससे क्या है बेहतरीन बैठ जाएगी। अब देखिए ये गरारियाँ भी इस तरह से होती हैं ना, बैरिंग की तरह हार्डनेस होता है इसके अंदर। जब जाके गोली बाहर वाली हो अंदर वाली हो बैरिंग की सब लग जाती है। इससे आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। आपका खुद का 709 का ये गियर बॉक्स है, 709 का गियर बॉक्स या कोई सा भी गियर बॉक्स फिट करना हो या उसके बारे में नॉलेज चाहिए कि गियर बॉक्स कैसे काम करता है, तो इससे बहुत जानकारी मिलेगी आपको। देखिए किस तरह से ये फंसाया जाता है, इंजीनियर कितने माइंडेड होते हैं, कितने दिमाग वाले होते हैं, किस तरह से ये सारे आविष्कार करते हैं, मैं भी बहुत हैरत में रहता हूँ। हैरत में रहने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं भी आविष्कार बहुत करता हूँ, पर उसके अंदर बहुत सारी काटपीट, बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है तब जाके ये बन के आपके सामने आती है ये चीज़ें।
देखिए इसके ये कैसे सारे गियर पहले लगाया जा रहा है इसके अंदर। वीडियो के लास्ट तक बन रही है, वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, पर मैं इसको दो पार्ट्स में बताऊंगा आपको। अभी पहला पार्ट में आपको इस गियर बक्से की कमी बताऊंगा खोल के, और दूसरे पार्ट में मैं इसको फिट करके बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसके अंदर फिट करते हैं। देखिए सारी गियर्स लग गई हैं। हाँ, अब ये सारी गियर लग के तैयार हैं इसके अंदर, और ये लास्ट गियर लगेगा इसके अंदर। देखिए ये लग गया, आप देख पा रहे हैं ये पूरा गियर सारा का सारा एकदम बाहर है। और कितनी सारी गरारियां होती हैं आप समझ पा रहे होंगे, जब भी जाके ये किसी भी गाड़ी का, चाहे बाइक का हो, ट्रक का हो, कार का हो, सब में गियर किस तरह से काम करता है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के कमाल से करता है। हम कितनी आसानी से गियर को चेंज कर लेते हैं, गियर को लगा देते हैं, तो ये सब चीज़ समझने वाली हैं। इसके गियर में मैं बता रहा था जो कमी थी, देखिए हिला के देखा जा रहा है, ये ऊपर वाला जो फर्स्ट गियर है उसके दांत एक कोने पे के कट गए थे, और उसी की वजह से दिक्कत आ रही थी, इसकी कमी पता चल गई है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिट कैसे करते हैं और कैसे लगाते हैं। मेरे वीडियो को देखते ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत ही अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार। तो ये देख पा रहे होंगे किस तरह से गियर फिट हो गया है, ये अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जो इससे इंटरेस्टेड रहता है उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा इनकम, उतने ज़्यादा टैलेंट, उतना ज़्यादा पब्लिसिटी, यानी नॉलेज ही जिसके पास ज़्यादा है और जो बेहतरीन तरीके से बता सकता है, ये इमरजेंसी के लिए भी जानकारियाँ होती हैं, ये इन सब से बहुत ही बेनिफिट रहा है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार। जय श्री कृष्ण।